हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। विच स्मार्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और कल मैंने एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो डाला था और आज के क्रम में मैंने दूसरा वीडियो बनाया है, भारतीय संविधान के स्रोत। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर का एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है। इससे लगभग जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं इसमें से आपको क्वेश्चन मिलना ही है। तो मैंने कोशिश करी कि इसमें से लगभग सारे क्वेश्चन आपके हो जाएं। आपको बस इस मैं जो समझाऊंगा आपको समझना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव जरूर लगाने हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने एक बुक बताने जा रहा हूँ, आप उस बुक से ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। घटना चक्र की बुक्स आती है वो आप लीजिए, उससे आप इसका ऑब्जेक्टिव लगाइए। इसको पढ़ने के बाद जब आप ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो आपके दिमाग में वो क्वेश्चन कुछ चिपक जाएगा, समझ लीजिए, वो जाना नहीं कहीं भी। तो फिर आराम से पढ़ाई करते, पढ़ाई ऐसी करनी बिल्कुल मजे के साथ करनी है, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़नी। जितना आपका माइंड रिलैक्स रहेगा उतना ही, बहुत टेंशन नहीं लेनी है, रिलैक्स होकर पढ़ना है। तो ठीक है, शुरू करते हैं भारतीय संविधान का स्रोत। देखिए, इस भारतीय संविधान के निर्माण के लिए हम लोगों को बहुत समय लग गया था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए थे। तो इसी क्रम में हमारे जो निर्माता थे, संविधान निर्माता, उन्होंने लगभग विश्व के लगभग 60 देशों के संविधान का उन्होंने निरीक्षण किया कि उसमें क्या क्वालिटी है, और कुछ जो भी क्वालिटी थी उन्होंने ज्यों का त्यों हमारे संविधान में उतार दिया, या फिर उसको कुछ इम्प्रूव करके हमारी जो हमारे यहाँ का जो एनवायरमेंट उसके हिसाब से उसको इसमें अपने हमारे संविधान में उसको जगह दी है। तो लगभग हर चीज को उन्होंने ध्यान करते हुए सभी देशों का परीक्षण किया है। तो उसी क्रम में ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं कंप्यूटर एग्जाम में कि ये पॉइंट किस देश से लिया गया है, या फिर एक नागरिकता कहाँ से ली गई है, इस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। तो फिर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है ब्रिटेन को, मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हमारे यहाँ जो उससे पहले जो शासन था वो ब्रिटेन का ही था। तो हमारे संविधान में जो संसदीय प्रक्रिया है उसका जो पूरी छाप है वो ब्रिटेन से पड़ी है, जैसे कि संसदीय शासन प्रणाली। तो जो भी संसद में आता है, राज्यसभा लोकसभा होता है, वो सब हमारे यहाँ ब्रिटेन से लिया गया, इसीलिए संसदीय शासन प्रणाली हो गई। एकल न्यायिक पालिका। एकल न्यायिक पालिका से मतलब क्या है, एक होता है, यहाँ पे लिस्ट में ले देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट होता है, नीचे हाई कोर्ट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। मतलब ये राज्यों में डिवाइड नहीं है, ये राज्यों में डिवाइड नहीं है। कोई अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा कर सकता है, वहां से संतुष्ट नहीं होता है तो वो फिर हाई कोर्ट में मुकदमा कर सकता है, और वो हाई कोर्ट में संतुष्ट नहीं है तो वो अपना मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, इसीलिए इसको एकल न्यायिक पालिका प्रणाली कहते हैं। उसके बाद है विधि निर्माण की प्रक्रिया। ये तो आप जानते हैं कि कोई भी निर्माण कानून का होता है वो लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से ही कानून बनता है। और उसके बाद आता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता हमारे देश में एकल नागरिकता है, एक ही नागरिकता है, भारतीय है, और एक अमेरिका देश है जिसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, और ये भी आपका ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद है विधि का शासन, हमको किस हिसाब से कानून बनने के बाद हमको किस तरीके से शासन करना है, इसका प्रावधान भी हमारे संविधान में जो लिया गया है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक कर लीजिएगा। और एकल नागरिकता जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के जो अनुच्छेद है उसमें हमारे नागरिकता के बारे में बताया गया है। चलिए, ब्रिटेन में ही समाप्त हो गया। तो ब्रिटेन के क्या क्या पॉइंट है आपको एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, उसके बाद न्यायिक प्रणाली, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रणाली। तो इसके 5 पॉइंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको रिवाइज हो गए होंगे। उसके बाद आते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व ये हमारे संविधान में कहां से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। उसके बाद आता है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। राज्यसभा जो हमारा स्थायी सदन होता है जो कभी भी भंग नहीं होता है, उसमें 12 सदस्यों का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, जो विभिन्न क्षेत्र से आते हैं, जैसे कि संस्कृति हो गई, खेल हो गया,
वो आगे का एक विषय है, मतलब आपको खाली इतना याद करना है राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन है वो हमारा आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा उसमें कौन कौन भाग लेगा, ये हमारा कहां से लिया गया है, ये भी हमारा लिया गया है आयरलैंड से। उसके बाद अब आ जाते हैं मूल अधिकार, मूल अधिकार कहां से लिया गया है, अमेरिका से, मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया। इसका प्रावधान किसमें, संविधान के अनुच्छेद, यहां पे लिख देते हैं संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 का जो अनुच्छेद है इसमें हमारे मूल अधिकार दिए हुए हैं। हमारे मूल अधिकार कितने थे, मूल अधिकार मूल संविधान में 7 थे, अब कितने हैं, 6 हैं। संपत्ति का अधिकार को अब हटा दिया गया है, तो अब हमारे वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं, 6 हैं। और इस अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो है वो मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। उद्देशिका का विचार, ये बहुत महत्वपूर्ण है, उद्देशिका का विचार, उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है, ये लिया गया है अमेरिका से, ठीक है। और एक क्वेश्चन बनता है कि उद्देशिका प्रस्ताव किसने कौन लाया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए थे, कब लाए थे, 13 जुलाई 1946 को, 13 जुलाई 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। फिर है राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को महाभियोग कहां से लिया गया है, ये हमारा लिया गया है अमेरिका से, और ये कहां है, अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में अनुच्छेद 61 में कहा गया है। और उसके बाद है स्वतंत्र न्यायपालिका, जैसे कि आप जानते हैं न्यायपालिका पूर्णतया स्वतंत्र है, उस पर किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी प्रभाव नहीं होता है, तो इसी ताकि क्योंकि ईमानदारी से और स्वेच्छा से काम कर सके, इसलिए न्यायपालिका को बिल्कुल स्वतंत्र रखा गया है। न्यायपालिका का पुनरावलोकन का सिद्धांत, जैसे कि कोई भी कानून बनता है अगर न्यायपालिका चाहे तो उसका पुनरावलोकन कर सकती है। इसका अनुच्छेद 137 संविधान का अनुच्छेद 137 में इसका प्रावधान किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 137 में। इसके बाद है वित्त आपातकाल, वित्त आपातकाल का अवध कहां से लिया गया है, अमेरिका से। वित्तीय आपातकाल कहां है, संविधान के अनुच्छेद 360 संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। तो ये बार अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अमेरिका, अमेरिका से क्या लिया गया, मूल अधिकार लिए गए हैं, उद्देशिका का उस विचार कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। वित्तीय आपातकाल, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो आपको 1, 2, 3 याद हो गए होंगे। उसके बाद बस आते हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कंगारू का देश, जैसे कि आप समझ रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया, यहां से क्या लिया गया, प्रस्तावना की परिभाषा, प्रस्तावना की परिभाषा, हमारी परिभाषा कैसी हो, ये कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद आते हैं समवर्ती सूची, समवर्ती सूची वो होती है जिसपे केंद्र और राज्य दोनों को उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, कि उस पर राज्य भी सरकार कानून बना सकती है और केंद्र भी, उन विषयों को कहां रखा गया है, समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। ये कहां से लिया गया है, हमारा ऑस्ट्रेलिया से। फिर उसके बाद आते हैं केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध के बारे में जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया है, आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया हुआ है। फिर आते हैं संयुक्त अधिवेशन, ये तो आप जानते हैं संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अच्छा ये किसमें दिया है, ये संविधान का अनुच्छेद है 108, संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की परिभाषा ली गई है, समवर्ती सूची ली गई है, उसके बाद क्या बचा है, केंद्र राज्य संबंध लिया गया है और संयुक्त अधिवेशन, ये तो हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद आते हैं कनाडा, कनाडा
कनाडा से आपने नक्शा देखा होगा कनाडा का, वो बिल्कुल छोटे छोटे द्वीपों में है। तो इस मतलब एक हम आपको याद करने का तरीका है, आप भूलेंगे नहीं, संघ, संघीय शासन प्रणाली, मतलब कि सारा जो भी द्वीप है वो पूरा एक संघ हो गया है, वो बन गया कनाडा। तो वो कहाँ है? कनाडा में। तो अगर संघीय शासन प्रणाली से संबंधित पूछा जाए तो वो कहाँ उसका टिक मारेंगे? कनाडा। उसके बाद अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, वो कहाँ से लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कनाडा से लिया गया है। अब आते हैं जापान, जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमारे यहां दिया है अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में दिया हुआ है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फिर है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जहां से भी ओमिक्रॉन वायरस पाया गया था, वहां से आपको याद होना है संविधान संशोधन, संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। किस अनुच्छेद में? यह अनुच्छेद है 368, यहां से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन। अब आ जाते हैं फ्रांस, फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है गणतंत्र, गणतंत्रमक शासन प्रणाली। ठीक है, गणतंत्र शासन प्रणाली से मतलब यह है कि किसी देश का जो सर्वोच्च पद होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, समझा? गणतंत्र का मतलब वो होता है किसी देश का जो सर्वोच्च पद होगा वो क्या नहीं होगा? वंशानुगत नहीं होगा। मतलब ये नहीं कि पिताजी बन अगर उस देश के सबसे प्रमुख हैं उसके बाद उसका लड़का हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया? कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया। फिर समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये कहां से लिया गया है? ये आपका लिया गया फ्रांस से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये कहां से लिया गया है? फ्रांस से। जर्मनी, जर्मनी का नाम लेते हुए आपको जैसे ही हमने जर्मनी का नाम लिया होगा आपके दिमाग में हिटलर छा गया होगा, हिटलर यानी आपात, आपात उपबंध कहां से लिया गया है? जर्मनी में। और ये भी एक चीज है कि जो आपात उपबंध के समय जो मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं वो भी कहां से लिया गया है? जर्मनी से। तो नौ तो ये क्लियर हो गए, कुछ दो पॉइंट और बचे हैं वो भी मैं आपको लिखा देता हूं। एक है भारत शासन अधिनियम 1937, 1937 भारत शासन अधिनियम 1937, इससे लगभग 250 अनुच्छेद जो है वो भारत शासन अधिनियम 1937 से ले लिए गए, या तो वो सीधे उठा लिए गए वहां से या फिर उनमें कुछ परिवर्तन किया गया है। ये इससे सबसे ज्यादा जो अगर हमारे संविधान में अंश है तो वो कहाँ का है? भारत शासन अधिनियम 1937 से है। उसके बाद एक और है वो मैं यहाँ पे लिखा बता देता हूँ आपको, संविधान के अनुच्छेद 42 का जो 42वां संशोधन हुआ था, रूस के संविधान से हमारे संविधान में जोड़ा गया है मौलिक मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य कितने जोड़े गए थे? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, 10। उसके बाद 46वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 1 से लेकर 14 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा का जो माँ बाप का जो अधिकार है, कर्तव्य होगा, सॉरी जो कर्तव्य होगा वो जोड़ा गया। तो अब इसमें मूल कर्तव्य टोटल कितने हो गए? 11 हो गए, कितने हो गए? 11 मूल कर्तव्य हो गए। तो अगर संविधान के भारतीय संविधान के स्त्रोत से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो लगभग इस मान के चलिए इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसको मेरे इस वीडियो को आप 1 से 2 बार जरूर देखें और कोशिश करें कि वीडियो देखने के बाद आप ऑब्जेक्टिव लगाएं। ऑब्जेक्टिव के लिए बुक्स है घटनाचक्र की, आप उसको लगाएंगे तो आपको चीजें बहुत ही क्लियर हो जाएंगी और आपके दिमाग से वो चीज बहुत जल्दी जाने वाली नहीं है, क्योंकि ये 2-3 बार वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में वो चीज बनी रहेगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हो
अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं और अपने साथियों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।